नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो स्कंद तृतीय अध्याय 26 श्लोक संख्या 3। अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। शब्दों का परिचय इस प्रकार है, अनादि ही अनादि आत्मा आत्मा पुरुषः पुरुषः निर्गुणः निर्गुणः प्रकृते प्रकृते परः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वम् विश्वम् येन समन्वितम् समन्वितम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति
विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यगदामा स्वयं ज्योति विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यगदामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यगदामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा स्वयग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणा प्रकृते परा प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम् शब्दार्थ अनादि ही अनादि जिसका आदि ना हो जिसका आदि ना हो आत्मा परमात्मा परमात्मा पुरुषः पुरुषः भगवान निर्गुण प्रकृति के गुणों से परे प्रकृति परा इस भौतिक संसार से परे प्रत्यग धामा सर्वत्र दर्शनीय स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशवान विश्वम संपूर्ण सृष्टि येना जिससे समन्वितम् आलित है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ा है अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशमान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशमान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। तात्पर्य श्री भगवान को आदि रहित अनादि बताया गया है। वह पुरुष अर्थात परम आत्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। जब हम अपने वर्तमान अनुभव से किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसका आदि होता है। इसका भाव यह है कि उसने जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि अर्थात आरंभ से रहित कहा गया है। यदि हम सभी व्यक्तियों का परीक्षण करें तो प्रत्येक का आदि होता है। किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका कोई आदि ही ना हो तो वह परम पुरुष होता है। ब्रह्म संहिता में यही परिभाषा दी हुई है। ईश्वर परम कृष्ण परमेश्वर परम नियंता कृष्ण है। वह आदि रहित है और हर एक का उद्गम है। यह परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। भगवान को आत्मा कहा गया है तो आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है महान। उसकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है और वह महानता क्या है? चेतना। हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है। यहाँ तक कि प्रत्येक रूप रूप में हम चेतना का अनुभव करते हैं। यह व्यक्तिगत चेतना है। इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण दिया जा सकता है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है। किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र देखा जाता है। वह अपनी शक्ति से सर्वत्र विद्यमान है। विष्णु पुराण में कहा गया है हमें जहां कहीं तथा सर्वत्र जो कुछ दिखता है वह परमेश्वर की शक्ति का
वितरण है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और अपनी दो प्रकार की शक्तियों आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के द्वारा वह सर्वत्र विद्यमान रहता है। ये दोनों शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं और यही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। सर्वत्र चेतना का अस्तित्व क्षणिक नहीं है, यह अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं है, अतः यह अनंत भी है। यहां इस मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चेतना का विकास भौतिक संयोग के किसी एक विशेष अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है उसका कोई आदि नहीं है। यह भौतिकतावादी या निरीश्वरवादी सिद्धांत की आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न है मान्य नहीं है। पदार्थ आदि विहीन नहीं होता, इसका आदि होता है। जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है उसी प्रकार विराट शरीर का भी है, और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ उसी तरह यह समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ। वेदांत सूत्र का कथन है जन्मादस्य, यह समग्र भौतिक प्रदर्शन इसकी उत्पत्ति वृद्धि पालन तथा इसका संहार परम पुरुष से उद्भूत है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं मैं आदि हूं, प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्रोत हूं। यहां पर भगवान का वर्णन हुआ है वे अकारण हैं और समस्त कारणों के कारण है। परा का अर्थ है परे, सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति के सृष्टा है। हम देखते हैं कि संसार में सृजनात्मक शक्ति है किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है, वे तो प्रकृति पर अर्थात इस शक्ति से परे हैं। उन्हें भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न तीन प्रकार के ताप नहीं सताते क्योंकि वे इससे परे हैं। प्रकृति के गुण उनका स्पर्श नहीं कर पाते। यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया है जिसका अर्थ है कि वे साक्षात प्रकाश है। हमें इस जगत में यह अनुभव है कि एक का प्रकाश दूसरे का परावर्तन है। जिस प्रकार चांदनी धूप का परावर्तन है, धूप ब्रह्म ज्योति का परावर्तन है, इसी तरह ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है यस्य प्रभा प्रभवतः, ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक कांति के फलस्वरूप है, इसलिए यहां स्वयं ज्योति कहा गया है, अर्थात वे स्वयं प्रकाश हैं। उनका प्रकाश अनेक प्रकार से बटा हुआ है यथा ब्रह्म ज्योति, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य प्रकाश, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपनिषदों में भी इसकी पुष्टि होती है। क्योंकि भगवान की शारीरिक आभा आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है, अतः सूर्य प्रकाश, चांदनी या किसी प्रकाश या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मप्रकाश भी इस बात का खंडन करता है कि आत्मा या आत्मचेतना भौतिक संयोग के किसी अवस्था विशेष में विकसित होती है। स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं होता। जय श्री गिरधारी राम जी की जय, श्री श्री गौर काय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है जबकि उसका प्रकाश चारों ओर लाखों फीट तक प्रसारित है। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है। इसी प्रकार यद्यपि परम प्रकाश उनके निजी नाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित है किंतु उनका प्रकाश न केवल स्वर्ग में अपितु उसके परे भी व्याप्त है। इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलक द्वारा परावर्तित होता है और यह सूर्य प्रकाश चंद्र गोलक द्वारा। इस प्रकार अपने धाम में स्थित रहते हुए भी उनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के ऊपर फैला रहता है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि होती है गोलोक एवं निवसन्ति खिलाफ भूतः, वे भूलोक में निवास करते हैं किंतु तो भी भूलोक किंतु तो भी यह संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। वे प्रत्येक वस्तु की परम आत्मा है, भगवान है और उनमें असंख्य दिव्य गुण है। यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निस्संदेह पुरुष हैं किंतु वे जगत के पुरुष नहीं है। मायावादी चिंतक यह नहीं समझ सकते कि इस भौतिक जगत के परे भी पुरुष हो सकता है, इसलिए वे निर्विशेषवादी हैं। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया है कि भगवान इस संसार से परे हैं।